नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भारत के विभाजन को एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती बताते हुए दावा किया है कि इसका नुकसान सिर्फ कश्मीरियों को ही नहीं बल्कि पूरे देश के मुसलमानों को भुगतना पड़ा। भारत के विभाजन को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए बयान का समर्थन करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारत का विभाजन एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती थी। मैं समझता हूं वो गलती इसलिए भी हुई क्योंकि अली मोहम्मद जिन्ना जो थे वो चाहते थे कि 26% के बजाय उन्हें 30% दिया जाए। उस वक्त भी जो कांग्रेस थी उन्हें से कबूल नहीं किया, तो फिर उन्हें देख लिया कि अब हमारा इनके साथ बन नहीं सकता और एक मुश्किल वक्त में फिर सर इकबाल ने इन्हें कन्विंस कर दिया कि पाकिस्तान मांगना ज़रूरी हो गया। मैं सब खुद भी समझता हूँ कि डिवीज़न ऑफ इंडिया बहुत गलत था, इसके इतने हिस्से होना बांग्लादेश पाकिस्तान हिंदुस्तान बहुत बड़ी हिस्टोरिकल जो है उस वक्त गलती हो गई है। मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं नहीं समझता कश्मीरियों को, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को इसका भुगतना पड़ता है। वो तो आपके सामने है। अगर एक मुल्क होता तो ताकत भी होती और ये मुश्किलें नहीं होती, वो भाईचारा रहता। अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इतने झगड़े होते हैं, इससे और भी मजहबी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय पर्व के उद्घाटन पर बोलते हुए रविवार को राजनाथ सिंह ने कहा था कि 1971 का युद्ध भारत के विभाजन की याद दिलाता है। कल राजनाथ सिंह ने कहा था कि 1971 का युद्ध एक अनुस्मारक था, कि धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन एक ऐतिहासिक गलती था और ये कि पाकिस्तान तब से भारत के खिलाफ छद्म युद्ध में संलग्न है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।